तो अस्सलाम वालेकुम। और आज जुमा है तो आप सबको जुमा मुबारक बहुत बहुत। तो गाइस बच्चे नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो मिलते हैं नमाज के बाद। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है और सुबह भी बोला था आपको कि आज जुमा है, तो आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। एक बार और फिर बोल दिया मैंने। और अभी तो शिव मेरी चाय रख के आया है किचन में। मैं नमाज़ पढ़ कुरान शरीफ पढ़ रही थी और मैंने इसको बोल दिया था कि चाय बना देना, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के चाय पीने की आदत ही पड़ गई। बना दी चाय, गर्दन हिला रहता है। और तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि ब्लॉग स्टार्ट किया और हस्बैंड का फ़ोन आया। अभी फिर मैंने जैसे ही नमाज़ पढ़ के उठी, कुरान शरीफ पढ़ रही थी अभी, और वैसे ही मोबाइल हाथ में लिया और वैसे ही उनका फ़ोन आ गया। मैंने बोला अभी मत उठा, नहीं था बोले ये दिन भर वीडियो बनाती रहती है। तो दिखाती हूँ आपको। और बिट्टू सो गया है, नमाज़ पढ़ के आया था। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 6:15 और नल आ गए हैं। और सोना तो गया आज उसकी फुप्पो के उधर घूमने गया है वो। कल भी बोल रहा था तो मैंने बोला मत जा, तो आज तो चला गया फुप्पो के यहाँ। गया नहीं सार्थक के इधर फुप्पो का, उसका दोस्त है सार्थक, उधर भी गया वो। और यहाँ तो शिव को भूख लग गई है फिर से। और नल आ गए गाइस, तो पानी भरना है। नल एक दिन छोड़ के आते हैं, दिखाती हूँ आपको। तो अब मैं भूल जाती हूँ बार बार, तो अब मैं याद रखती हूँ उसका बराबर। तो यहाँ रखे हैं बर्तन, रुक जा अभी। तो पूरा टैंक खाली हो गया है, देखिए अभी टैंकर डलवाया था मैंने, दिख नहीं रहा। तो फटाफट पानी भर लेते, और पता नहीं सर में भी दर्द होने लग गया, गर्मी की वजह से हो रहा है दर्द ये। और अभी बर्तन तो जमाने के ही रखे हुए हैं बहुत सारे, तो बस शाम के खाने की तैयारी करना है। तो मैंने खाने में ले, आज सब्जी वाले इधर ही दिख गए थे, मुझे आते नहीं है सब्जी वाले इधर, तो मैंने ले ली थी गिल की, ये देखिए। तो खाने में गिलकी बनाऊंगी, क्योंकि दाल और लौंजी सुबह बन गई थी, दाल बना ली थी सुबह, लौंजी तो रखी हुई थी। तो पहले पानी भर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे काम में लगूंगी फिर, क्योंकि 6:45 तो हो ही गया है। और नल का टाइम बहुत गलत है यहाँ पे, एक दिन छोड़ के आते सुबह भी आ जाए ना तो ठीक रहता। अब शाम को दिन भर पूरी साफ़ सफाई हो जाती, शाम को फिर गीला हो जाता, फिर शाम को फिर धो। तो फटाफट पानी भरने के बाद चाय बनाऊंगी, गर्मी हो या कुछ भी हो सर तभी बंद होगा मेरा, चाय पीऊंगी। तो पानी भरा मैंने, अच्छा हुआ पानी भर लिया और लाइट चली गई, नहीं तो वो अंदर टैंक के अंदर से मुझे भरना पड़ता। ये देखें पीने का पानी भर लिया, पीने का तो नहीं पकाने का भरा मैंने, और ये नल चलेगा। तो इसको मैं यहाँ से वाल खोल दूँगी। तो उसे पानी तो आ ही नहीं रहा है, लाइट चली गई फिर भी। तो गाइस बिना मोटर के तो नल ही नहीं आ रहा है, लाइट चली गई। और अच्छा हुआ मैंने पानी भर लिया है वापरने का, उठा ले ये मटका और ये कुछ गिर जाएगा उसमें। हाँ तो पकाने का वापरने का ही पानी बोलूँगी ना, क्योंकि पीने की तो कैंपर लग गई, लाइट गलत टाइम पे गई यार आज। उठा मटका और ये, तो यहाँ तो सिर्फ पानी के मटके उठा के ला रहा है। मटके? हाँ मटका। ढाक देना दोनों चीज़। और आ गए नल, लाइट तो नहीं है ही लेकिन नल आ गए हैं ये।
धीरे धीरे चल रहा है वो बिना लाइट के। कम कम आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है। तो लाइट तो नहीं, किचन में भी अंधेरा अंधेरा हो रहा है, तो मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी। और तो सिर्फ डाल रहा है कूलर में पानी, बेचारा बच्चा करते ही रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। देखिए ना लगा है फिर से। तोशिब को गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं दिन भर तोशिब दिन भर तोशिब से काम करवाती रहती हूँ बेचारे बच्चे। तो मैं गिनकी बनाना तो मैंने कैंसिल कर दिया है, और खरबूजा काट के रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, काट तो दिया रख देती हूँ अब। और बच्चों ने बोला है रोटी नहीं खाएंगे चावल खाएंगे, तो यहाँ चावल मैंने निकाल के रख लिए हैं और बघार नहीं, और यहाँ कढ़ाई भी रख दी है क्योंकि पापड़ वगैरह ये तलूँगी थोड़ा बहुत खाने के साथ, और रोटी भी रखी है थोड़ी, और चावल बना लूँगी लोंजी है तो ही हो जाएगा। और मैंने अभी मंगाई दालचीनी, तो ये देखें चावल भी बनने वाले हैं, 5 मिनट और ज़्यादा वो पापड़ वगैरह ही मैंने तल लिए है। तो खाना खा लिया है सबने, और कोशिश गया घूमने खाना खा के, और सोना भर रहा है पानी की बोतल, ये देखिए। सुबह आती है कैंपर तो पानी ठंडा रहता है, लेकिन शाम तक गर्म हो जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो गाइस आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।